नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मालवीय नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 61 में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मीना सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। मैम, आपका स्वागत है। मीना जी, मेरा आपसे नमस्कार पहला सवाल है, आपका जो नमस्कार सर राजनीतिक जी। संघर्ष जो शुरू हुआ मैम आम आदमी पार्टी में, आपका कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? मैं 2016 से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा एमसीडी इलेक्शन से हुआ। ओके मैम। मैं धीरे धीरे मतलब कर रही थी 2016 में भी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा 2016 में हुआ। जी मैम। तब से मैं एमसीडी इलेक्शन हुए तो उस समय से मैं इन्वॉल्वमेंट है मेरी पार्टी के साथ में। तो अब मैं मतलब इस समय मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, ज़्यादा ओके मतलब मैम। 2016 से ज़्यादा एक्टिव हूँ। अभी क्या दायित्व है आपके पास अभी प्रेजेंट? अभी मैं मोहल्ला कोऑर्डिनेटर मोहल्ला हूँ। कोऑर्डिनेटर हाँ, हैं। इससे पहले मैं जब एमएलए इलेक्शन थे तो मैं ओके। वार्ड की संगठन मंत्री थी। अच्छा, कितने मोहल्ले हैं आपके वार्ड में? टोटल मोहल्ला हमारे वार्ड में 14 है, 14 मोहल्ले 14 है। हैं। हाँ ओके जी, ओके तो मेरे पास इस समय 2 मोहल्ला हैं। ओके अर्जुन मैम। नगर में 2 मोहल्ला आते हैं, तो मैं अर्जुन नगर का सारा काम देखती हूँ। अच्छा, ये जानते मीना जी, जैसे कि अभी जो डेंगू को लेकर जो वार चल रहा है इस समय, जो दिल्ली सरकार की एक मुहिम है 10 दिन 10 हफ्ते 10 बजे दस को बजे लेके, इस मुहिम को लेके आप कैसे अपने लोगों को अवेयरनेस कर रही हैं आप? कल ही हमने अर्जुन नगर में फॉगिंग करी है। इसके अलावा पूरे वार्ड में फॉगिंग का कार्यक्रम चल ही रहा है। और अर्जुन नगर में कल हमने हर गली, हर घर में, जी पार्किंग मैम। एरिया, सभी जगह हमने फॉगिंग करी है। और इसके अलावा हम लोग ग्रुप में, मोहल्ला सभा ग्रुप में डालते ही रहते हैं कि ओके भाई मैम। अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना करें, जी मैम। ना होने दे कूलर में। अगर कूलर है जी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल या दवाई वगैरह डालते रहें, और गंदगी ना होने दें, साफ़ ओके। सफाई अच्छा, का ध्यान रखें। इस कोरोना काल के समय में भी कोई आपकी भूमिका रही मैं अपने वार्ड में? हाँ जी, मैंने कोरोना काल में काफ़ी काम किया। इससे पहले जब लास्ट ईयर था कोरोना, तब भी हम लोगों ने सूखा राशन और पका हुआ राशन, इसके अलावा मतलब सैनिटाइजेशन, ये सब कार्य किया किया था। और इस बार भी हमने ये सब किया, सूखा राशन भी दिया, पका हुआ राशन भी दिया। जैसे जो लोग कोविड से परेशान थे यस मैम। तो उनके घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने मतलब हम लोग उनके घर में जाकर जी पका मैम। हुआ खाना देते थे, जी मैम। और उनको वैक्सीन वगैरह या डॉक्टर की जो भी उनको ओके। अच्छे ज़रूरत होती थी हम वो लोग करते थे। हाँ जानते हैं, जैसे मिशन 2022 एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, इस जी। बार क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में? जैसे कि 15 साल दिल्ली में एमसीडी है भाजपा, क्या इस गढ़ को या क्या संघर्ष इस बार रहेगा? देखिए, इस बार हम चाहते हैं कि जो बीजेपी का जो शासन 15 साल से था एमसीडी ने, तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस बार आप पार्टी का ही कोई कैंडिडेट आए, चाहे वो मैं बिल्कुल हूँ, चाहे कोई भी हो, जी मैम। वो इस बार आप पार्टी का कैंडिडेट आएगा। तो जो जो काम एमसीडी नहीं कर पाई है पिछले यस पंद्रह मैम। साल में, वो सब हम करना चाहते हैं। और एमसीडी में भ्रष्टाचार और ये गंदगी जो यस मैम। है, साफ़ सफाई, वो सब हम करना चाहते हैं। तो वार्ड 61 की मैम क्या क्या परेशानी है आपके क्षेत्र की? वार्ड 61 में एक्चुअली परेशानी तो भारती जी ने, जो हमारे एमएलए हैं सोमनाथ भारती जी ने, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। जैसे अर्जुन नगर में पानी की दिक्कत थी, वो काफ़ी सॉल्व हुई है। सीवर वगैरह की भी अभी चल रही है। और इसके अलावा गलियों की है, गलियां ओके जो मैम। टूटी फूटी पड़ी हैं। एक्चुअली काम तो ये एमसीडी का है, बिल्कुल मैम। लेकिन एमसीडी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो ओके। क्षेत्र गलियां सही करवाना और साफ़ सफाई का, ये सब काम हम चाहते हैं के कि निगम पार्षद कौन है मीना जी? इस समय क्षेत्र की निगम पार्षद श्रीमती राधिका फोगाट हैं। राधिका फोगाट है, हाँ भाजपा से जी, जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, वो भाजपा की कैंडिडेट कैसे हैं। अपने वो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में खड़ी उतरी हैं? 4.5 साल लगभग हो नहीं, चुके हैं। एक्चुअली देखिए, मैंने तो उनको कभी अर्जुन नगर में भी नहीं देखा कि वो कभी आई हो। जैसे भारती जी हर हर महीने हमारे यहाँ यस मैम। मतलब डेट वाइज उनकी मोहल्ला सभा होती है। जैसे अर्जुन नगर में 2 मोहल्ले आते हैं, यस 21 और मैम। 22, तो 21 और 22 तारीख को यहाँ जी पे मैम। मोहल्ला सभा होती हैं। और उसमें भारती जी अपने मतलब जनता के बीच में आते हैं और उनसे उनकी परेशानियां पूछते हैं, ओके मैम। ये सब करते हैं। लेकिन हमने राधिका फोगाट जी को कभी भी अर्जुन नगर में नहीं देखा, और कोई काम उन्होंने मतलब मेरे हिसाब से तो कोई किया नहीं। जो करना चाहिए था वो भी नहीं हुआ उनका अच्छा काम। मैम, दिल्ली में जैसे कि आपके विधायक आपके द्वार को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हाँ जी, इस चीज़ को लेके आप जो जनता के बीच में अवगत हो रहे हैं समस्याओं को लेके, हाँ जी। तो पब्लिक इस बार को लेके क्या चाह रही है? देखिए, आपका विधायक, आपके द्वार, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मतलब काफ़ी यस लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। ओके। तो जनता भारती जी से या विधायक जो भी हैं उनसे रूबरू होते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं, और वो परेशानियां सॉल्व भी होती हैं। अच्छा मीना जी, जैसे कि एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं, आप क्या इस दौड़ में हैं चुनाव की?
देखिए ये पार्टी के ऊपर है कि वो किसको कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन अगर पार्टी मुझे टिकट देती हैं तो मैं अवश्य ही इलेक्शन लड़ना चाहूंगी, और जो कार्य एमसीडी में नहीं हुए हैं वो मैं करना चाहूंगी। मगर चुनाव के समय में काफ़ी दावेदार के रूप में काफ़ी लोग संगठन के कार्यकर्ता जो होते हैं वो चुनाव की तैयारी करते हैं। हाँ जी, यहाँ से कि मैंने अभी जो सर्वे किए है, सरिता फोगाट है, सुधीर फोगाट है, और भी अन्य दल या अन्य कार्यकर्ता हैं, तो इस चीज़ को लेकर कैसा संघर्ष रहेगा? देखिए संघर्ष तो कड़ा ही है, लेकिन हर दावेदारी करने वाला कैंडिडेट चाहता है कि उसे टिकट मिले, तो इसमें सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सभी को करना भी चाहिए। अगर जो कैंडिडेट चुना जाएगा पार्टी की तरफ से, तो चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, तो हम लोग सब उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा मीना जी, जैसे कि दिल्ली में जो मानसून का समय होता है, बारिश का समय में जगह जगह पानी को लेकर जल भराव की स्थिति बनी होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम या लोग बार जो काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं, इस चीज़ को लेके कौन जिम्मेदार है? आम पब्लिक जो इस चीज़ को लेके परेशानी उठाती है। देखिए ये जो जल भराव का काम है होता है दिल्ली में, इस बार काफ़ी हुआ है, तो ये सब सीवर की प्रॉब्लम है। सीवर अगर मेंटेन नहीं होगा, उसकी डिसिल्टिंग नहीं होगी, तो ये जल भराव का काम चलेगा? उसके विधायक जिम्मेदार है? नहीं, ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, एक्चुअली क्या है सीवर की, और सीवर की जिम्मेदारी है वो कॉलोनी के अंदर विधायक की है, लेकिन जो मेन रोड्स होती हैं वहाँ पर अगर जल भराव होता है तो वो एमसीडी का काम है। तो जल भराव कहाँ होता है, कॉलोनी में होता है या ऑन द रोड होता है? नहीं, ऑन द रोड ज़्यादा देखा गया है, कॉलोनी में नहीं होता। कॉलोनी में तो इतना नहीं है, कॉलोनी में तो हम लोग जैसे ही मतलब बरसात शुरू होते हैं तो हम डिसिल्टिंग करवा देते हैं, और अगर इसके बीच में अगर कुछ रह जाता है तो तुरंत आती है दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी और वो डिसिल्टिंग कर देती है। और इस तरह से कॉलोनी में तो नहीं होता, लेकिन इस बार जो मेन रोड पर जो हुए हैं वो जल भराव सिर्फ वो एमसीडी का है, जो एमसीडी की नाकामी को बताता है। अच्छा मीना जी, और कुछ अपनी जनता को आप छोटा सा एक संदेश देना चाहेंगे? आप जनता से बस मेरा यही है कि इस बार अगर आप पार्टी का कैंडिडेट लेके आएंगे, तो जो पिछले 15 साल से एमसीडी में जो काम नहीं हुए हैं वो सब काम होंगे, और मतलब सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, जैसे सफाई, भ्रष्टाचार, ये सब हम लोग ख़त्म करेंगे अगर आप पार्टी का कैंडिडेट चुना जाता है तो। तो ये हमारी सीधी बात मीना सिंह जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।